Everyone, so as you know, today we have to start the revision of chapter System of Particles and Rotational Motion. And in the previous chapter, which was work energy and power, so I selected some of the assertion reason question there. और उसमें जितने assertion reason question possible हैं, जितने topics हैं, तो only those three questions are there. Okay. और अगर प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट अवेलेबल हो जाता है तो आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस इन दीज चैप्टर्स. ओके, और जैसा मैंने आपको बताया था कि नॉट ऑल द चैप्टर्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर एजर्शन रीजन एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. कुछ ही चैप्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. तो अब जो हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके बाद में हमें स्टार्ट करना है रिविजन ऑफ चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. ओके, तो इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपको जो, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है दैट इज़ समवेयर डिफरेंट फ्रॉम दीज चैप्टर्स विच आर इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फिजिक्स क्लास 11th. क्योंकि जो 9th में चैप्टर्स हैं उनमें आपको पता है लॉज ऑफ मोशन और आपका वर्क एनर्जी पावर ये सब पढ़ा हुआ है, इवन ग्रेविटेशन भी है. लेकिन ये जो चैप्टर है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तो इसमें आपको क्या करना है कि जो फॉर्मूले हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक बार थोड़ा सा प्री स्टडी कर लीजिए. क्योंकि आपको पता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं असर्शन रीजन वाले, इनमें जो कमांड है क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट्स पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट से. तो प्रैक्टिस सेट में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन. असर्शन इज गिवन देयर इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, देन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो आपको पता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा होता है तो एक रिलेशन है यहाँ पर जो टॉर्क और आपका एंगुलर मोमेंटम को रिलेट करता है. तो अगर टॉर्क यहाँ से ज़ीरो हो जाता है तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ कॉन्स्टेंट. और ये रोटेशनल एनालॉग किसका है, ये रोटेशनल एनालॉग है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है, टॉर्क ज़ीरो है, देन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो ये जो यहाँ पर लिखा है रिलेशन, ये कहीं भी इस रिलेशन से रिलेट नहीं कर रहा है. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए. और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन की भी अगर हम बात करें, एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा. तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी पर. तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी. ओके, क्योंकि आपको पता है कि L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो पहली बात तो यहाँ वेलोसिटी ही लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं लिखा है. लेकिन अगर वो भी लिखा होता तो वो कॉन्स्टेंट नहीं होगी. अगर यहाँ एंगुलर मोमेंटम होता देन इट विल बी द परफेक्ट स्टेटमेंट. तो एजर्शन जो है आपका यहाँ रॉन्ग है, फॉल्स है. और उसका रीज़न लिखा है द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो लीनियर मोमेंटम, कोई भी ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम हो जिसका लीनियर मोमेंटम, तो कंडीशन कुछ भी नहीं लिखी है यहाँ पर, आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. तो यहाँ भी कंडीशन क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था कि अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व रहता है. तो कुल मिलाकर आपके दोनों ही यहाँ पर एजर्शन और रीज़न रॉन्ग हैं. तो आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ हो दे रखा हो ऑप्शंस में उसको चूज़ करिएगा, नहीं तो आप दोनों को लिख सकते हैं सेपरेटली कि हियर असर्शन एंड रीज़न बोथ आर फॉल्स. फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. असर्शन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड. तो यहाँ लिखा है अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड. रीज़न में लिखा है दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन सच अ सिस्टम इज़ ज़ीरो. तो ये ठीक है, और दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिलेट भी कर रहे हैं, और रिलेट कर रहे हैं ये सेकेंड
स्टेटमेंट को पढ़कर समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट में जो लिखा है फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, यहाँ वर्ड आ रहा है सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स फील्ड का मतलब वही होता है जो कंडीशन नेसेसरी है आपके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए। तो कुछ वर्ड्स को आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, कि अगर इस तरह से लिखा है कि अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, देन इट इज़ राइट। और इसका रीज़न क्या होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन सच अ सिस्टम इज ज़ीरो। हियर द वर्ड इज़ टॉर्क, TORQUE। ओके, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं इसमें। तो यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है assertion, थर्ड क्वेश्चन का assertion दे रखा है देर आर वेरी स्मॉल चेंजेस इन द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के पीरियड ऑफ रोटेशन में स्मॉल चेंजेस होते हैं, और रीज़न लिखा है शिफ्टिंग ऑफ लार्ज एयर मासेज इन द अर्थ एटमोसफियर प्रोड्यूसेज अ चेंज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ कॉजिंग इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन टू चेंज। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आपको पता है कि अर्थ के रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो अर्थ का जो रेवोल्यूशन हो रहा है सन के अराउंड, तो ये टॉपिक आपका ग्रेविटेशन में भी आ रहा था, और ग्रेविटेशन से ये टॉपिक डिलीट हो गया है क्योंकि केपलर्स लॉज में आता है। टॉपिक ये है कि ये मिडल में सन है और ये इस तरह की इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें अर्थ रेवोल्यूशन करती है। तो एक ये पोजीशन हो सकती है अर्थ की, एक ये सन सेंटर पे ना होकर एक साइड में सिचुएटेड होता है, इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द फोकस। ये फोकस है जिस पे सन सिचुएटेड है। तो जब अर्थ सन से दूर होती है, फार्देस्ट पॉइंट पर है, तो उसकी जो स्पीड होती है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है, ये डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, आपने रिलेशन पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम का, यस दिस इज़ द रिलेशन एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, और जब आप इसको ब्रेक कर देंगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता है यहाँ से कि जब एम इज़ कॉन्स्टेंट ईयर व्हेन आर इंक्रीजेज देन ओमेगा डिक्रीजेज। तो यहाँ पर जो है इसकी स्पीड कम हो जाती है अर्थ के रोटेशन की फार्देस्ट पॉइंट पे, क्योंकि आर इंक्रीज हो रहा है, और जब अर्थ सन के क्लोज आती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो जब स्पीड में चेंज हो रहा है, तो पता है आपको कि स्पीड का रिलेशन, एंगुलर स्पीड का रिलेशन या लीनियर स्पीड का रिलेशन, दोनों ही टाइम पीरियड से रिलेटेड हैं। तो एंगुलर स्पीड के रिलेशन की बात करें तो टी इज़ इक्वल टू 2π/ω होता है। तो जब स्पीड चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड विल बी चेंज। तो पहला वाला जो पॉइंट है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है, देर आर वेरी स्मॉल चेंजेस इन द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये करेक्ट है, सही है। और इसका रीज़न की बात करें तो सबसे पहले रीज़न में वर्ड आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पता है आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, इट मीन्स इट इज़ ओके, ये सही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्लाइट चेंजेस हो रहे हैं, और जिसकी वजह से चेंज कर रहा है रोटेशन को, तो ये सही भी है और इससे रिलेटेड भी है। ओके, सो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, फिर देखते हैं क्वेश्चन फोर। तो आपका क्वेश्चन फोर जो है उसमें assertion दे रखा है द अर्थ इज स्लोइंग डाउन एंड एज अ रिजल्ट द मून इज कमिंग नियरर टू इट। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपने सुना है कि अर्थ का मोशन स्लो हो रहा है और मून इज़ कमिंग नियरर टू इट, उसका कोई रीज़न भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट रीज़न ही नहीं है। अगर रीज़न देखा जाए, यहाँ जो लिखा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ मून सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व, तो रीज़न तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ मून सिस्टम हो या फिर अर्थ सन सिस्टम है हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वड है यहाँ पर, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो है। जितने भी ये रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, आपको पता है ऑटोमेटिकली रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, और इन पे जो एक्सटर्नली जो फोर्स या टॉर्क लग रहा है दैट इज़ ज़ीरो। तो इसलिए जब ये रीज़न रॉन्ग है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है, तो दोनों ही फॉल्स हैं। तो यहाँ पर अगेन आपको जब ऐसा लिखना हो, तो फिर आप वही लिखेंगे कि हियर बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। ओके,
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 में यहाँ दे रखा है, इफ़ पोलर आइस मेल्ट्स, अगर पोलर आइस मेल्ट हो जाती है तो डेज विल बी लॉन्गर, तो डेज का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग हो जाएगा। और रीज़न लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज एंड द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो यहाँ और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें इसी का अपोजिट लिखा है, फाइव स्केप्स ऑफ द पोल मेल्ट्स द डे लेंथ विल शॉर्टन, रीजन आइस फ्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर एंड डिक्रीजेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ एंड हेंस इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये वाला जो है आपका रॉन्ग है, ये सही है, अगर पोलर आइस मेल्ट हो जाती है तो डेज विल बी लॉन्गर, डेज ड्यूरेशन बढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या है डेज ड्यूरेशन के बढ़ने का, तो वही जो अभी पीछे कॉन्सेप्ट आया था टाइम पीरियड का, कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है इस बात पे। तो टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, तो इसकी अपोजिट सिचुएशन होनी चाहिए यहाँ पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, सो आई होप कि इट्स क्लियर टू यू। ये जो है इसी तरह का रिलेशन है, इसमें आपको रिलेशन याद हैं अगर तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं सिचुएशन को। सो यार 5 क्वेश्चन इज ट्रू, दोनों सही हैं, रीज़न भी सही है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग आपका, तो यहाँ आपको ऑप्शन जो है ए दैट इज़ करेक्ट। फिर 6 क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इसकी अपोजिट सिचुएशन है, तो जब फर्स्ट वाली करेक्ट है तो सेकेंड रॉन्ग होगी, तो यहाँ पर आपके assertion और reason दोनों ही false हैं, तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि total it is wrong, false। इस तरह के जो आ रहे हैं आंसर जिसमें आपके दोनों wrong हैं, तो उनको words में लिखने का ध्यान रखिएगा, ताकि आपको कोई doubt ना हो marks को लेके कि marks कट हो रहे हैं। तो revision of chapter gravitation, अब उसमें जो available question थे उतने ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये पैटर्न चेंज हुआ है, नया आया है, तो जो अवेलेबल क्वेश्चंस हैं वही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो उसके बाद हमें स्टार्ट करना है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में भी फिर वही कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्रेविटेशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि जब रेवोल्यूशन की बात करते हैं अर्थ मून सिस्टम और अर्थ सन सिस्टम, तो उसमें वही जो चीज़ें आती हैं ना रोटेशनल मोशन वाली, वो आपकी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी यूज़ होती हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन दे रखा है द स्टार्स ट्विंकल व्हाइल द प्लैनेट्स डू नॉट, तो ये पता है आपको, सही है, इट इज़ ओके, करेक्ट। द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन द प्लैनेट्स, तो ये जो आपका रीज़न है, रीज़न आपका ठीक है बट रिलेटेड नहीं है। इसका रीज़न ये नहीं है कि इसलिए ट्विंकल नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्विंकलिंग का रीज़न दूसरा है, जो आपने 10th क्लास में लाइट चैप्टर में पढ़ा है। तो दोनों ठीक हैं लेकिन दोनों रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होना चाहिए यहाँ पर, बी। ओके, फिर आपका सेकेंड नंबर यहाँ क्वेश्चन है, अ प्लैनेट इज़ अ हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो आपको पता है कि दिस इज़ करेक्ट, प्लैनेट हेवनली बॉडी है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और रीज़न इसका लिखा है स्टार इज़ अ सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी मेड ऑफ अ गैसियस मटीरियल, तो ये भी ठीक है, स्टार इज़ अ सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, और ये तो देख कर ही पता चल रहा है क्वेश्चन को कि दोनों रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में फिर से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, अभी तो स्टार यहाँ लिखा सेल्फ ल्यूमिनस, तो स्टार की जो लाइट है वो उसकी अपनी लाइट है, ठीक है, सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी है, क्योंकि वो ट्विंकलिंग करता हुआ भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं बट एक दूसरे का रीज़न नहीं है। ओके, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस इन अ स्पेस सैटेलाइट, तो ये आपका ठीक है, When a body falls freely, it does not experience gravity. तो ये भी सही है आपका, तो और दोनों एक दूसरे से related भी हैं, क्योंकि जो astronaut के situation है यहाँ पर वो situation ही यहाँ पर apply. But actually क्या है कि दोनों सही हैं लेकिन related नहीं है। related क्यों नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि related है, astronaut experience weightlessness in a space satellite, क्यों weightlessness experience करता है,
तो उसकी वेटलेसनेस का रीज़न दूसरा है, क्योंकि वो स्पेस में है, उस वो फ्री फॉल नहीं हो रहा है, स्पेस में है, ऐसे पॉइंट्स पर है जहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो है, जहाँ पर उस पर किसी भी चीज़ का अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए तो दोनों सही हैं बट रीज़न नहीं है एक दूसरे का, तो फिर से यहाँ पर ऑप्शन बी ही करेक्ट है। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।